गिरिडीह के मधुबन में श्री तलेटी तीर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गौशाला का संचालन किया जा रहा है। इस गौशाला में 2400 घंटे कर्मी रहते हैं जो गोवंश को भोजन पानी से लेकर दवा तक देने का काम करते हैं। इस गौशाला में देखभाल के लिए 6 स्थायी कर्मी के अलावा दैनिक मजदूरों को भी लगाया जाता है। वहीं दीपक भाई विपानी के साथ अन्य लोग हर दिन रिपोर्ट लेते हैं। ट्रस्टी भी समय समय पर गौशाला की जानकारी लेते रहते हैं। संस्था से जुड़े कर्मी बताते हैं कि इस गौशाला में दुधारू गाय को नहीं रखा जाता है। यहां वैसे गोवंश को रखा जाता है जो पूरी तरह से बेसहारा है, जिन्हें उनके मालिकों ने छोड़ दिया है, जिन्हें कत्लखाने में जाने से पुलिस ने बचाया है, जो बीमार है। संस्था ने ऐसे गोवंश का जिम्मा उठाती है जो पूरी तरह से बेसहारा है। पूरा स्टाफ लग जाते हैं साफ सफाई के लिए, 3 बजे चारा डाल देते हैं और सुबह 3 बजे से लग जाते हैं, सुबह 6 बजे खोल देते हैं ताले, ताकि यहाँ पानी पीता है, वहाँ इलाज चलता है सर, डॉक्टर पड़े जाता है, नहीं आता तो हम अपने ही ट्रीटमेंट करते हैं। गौशाला का संचालन श्री तलेटी तीर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट जो श्री समय शिखर तीर्थ दिन मूर्ति पूजक तबक संघ ट्रस्ट का ही एक अंग है, उनके द्वारा संचालित है। अभी यहाँ तकरीबन 200 जानवर हैं और जो इसमें दुधारू जानवर कोई भी नहीं है, और ट्रस्टियों का आदेश भी है कि दुधारू जानवर का यहाँ रखना नहीं है। जो असहाय हैं, अंधे हैं, लाचार हैं, उन्हीं को रखना है और उन्हीं का सेवा जितना अच्छे तरीके से हो सके। डॉक्टर का प्रतिदिन विजिट यहाँ होता है, स्टॉक में भी हमारे यहाँ पूरा महीने का स्टॉक दवाई एक ही बार में लाया जाता है।